नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट LDC के सिलेबस के बारे में। आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। चलते हैं बात करते हैं दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट LDC के पेपरों के बारे में। दोस्तों पेपरों के बारे में, पार्ट ए में रहेगा हिंदी का पेपर जो होगा 100 नंबर का, पार्ट बी में रहेगा इंग्लिश का जो रहेगा 100 नंबर का, और पार्ट सी में रहेगा जनरल नॉलेज GK का, वो रहेगा 100 नंबर का। दोस्तों इनमें से 300 नंबर के पेपर होंगे तीनों। इनमें से दोस्तों ST, SC और PH कैंडिडेट्स के लिए 120 लाना अनिवार्य है, और अदर कैंडिडेट के लिए 135 लाना अनिवार्य है। 2 घंटे का पेपर होगा ये। इसमें बात करते हैं दोस्तों आगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो भी आप रॉन्ग क्वेश्चन रॉन्ग आंसर करके आएंगे उसके नेगेटिव नहीं कटेंगे। अब बात करते हैं इसमें पेपर में, हिंदी पेपर के बारे में। दोस्तों हिंदी में पहला टॉपिक है संधि, दूसरा है संधि के भेद, और तीसरा है संधि विच्छेद। और दूसरा टॉपिक में आते हैं समास, समास के भेद, विग्रह और समास पदों की रचना। तीसरा आता है उपसर्ग, चौथा आता है प्रत्यय, पांचवा आता है पर्यायवाची शब्द, छठा आता है विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द, सातवा आता है अनेकार्थक शब्द, आठवा आता है शब्द युग्म समश्रुत शब्द, नवा आता है शब्द शुद्धि, दसवा आता है वाक्य शुद्धि, ग्यारहवा आता है वाच्य, और बारहवा आता है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। आगे बात करते हैं तेरहवा, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। दोस्तों हिंदी पेपर में 13 टॉपिक होंगे कुल। अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में पहला होगा इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज, दूसरा होगा टेंसेज सिक्वेंसेज ऑफ टेंसेज, तीसरा होगा वॉइस एक्टिव एंड पैसिव, चौथा होगा नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, पांचवा होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज असर्टिव टू नेगेटिव इंट्रोगेटिव एक्सक्लेमेंट्री एंड विसा विस वर्षा। इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद अगले में बात करते हैं, छठा होगा यूज ऑफ आर्टिकल्स डिटरमाइनर्स एंड प्रीपोजिशंस, सातवा होगा करेक्शंस ऑफ सेंटेंसेज इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव कनेक्टिव्स एंड वर्ड रॉन्गली यूज, आठवा होगा सिनोनम्स एंड एंटोनम्स, नवा होगा ऑन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दसवा होगा प्रीफिक्सेज एंड सफिक्सेज, ग्यारहवा होगा कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, और बारहवा होगा इडियम्स एंड फ्रेसेज। अब बात कर लेते हैं दोस्तों GK के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में। जनरल नॉलेज में दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट है आपका करंट अफेयर्स पहला, दूसरा है ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और तीसरा है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। अब बात कर लेते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में दोस्तों आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जो कंप्यूटर पे होगा। इसमें दोस्तों फर्स्ट पेपर होगा वो आपका स्पीड टेस्ट होगा, हिंदी की स्पीड टेस्ट होगा और इंग्लिश स्पीड टेस्ट टाइपिंग टेस्ट। ये 5-5 मिनट के होंगे, 25-25 अंक के होंगे, जिसमें से ST, SC और PH कैंडिडेट्स के लिए 20 लाने अनिवार्य हैं, और अदर के लिए 22.5 लाना अनिवार्य है। दूसरा पेपर होगा कंप्यूटर में एफिशिएंसी टेस्ट का, 10 मिनट का होगा, 50 नंबर का होगा, SC ST के लिए 20 लाना अनिवार्य है, अदर कैंडिडेट के लिए 22.5 लाना अनिवार्य है। दोस्तों ये आपको मैंने राजस्थान हाई कोर्ट के LDC के सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर लें, जिससे मैं न्यू वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।